गुज़श्ता 20 साल से ज़ायद अरसे में फितना अल ख़्वारिज और दूसरे दहशत गर्दों के खिलाफ लातादाद कुर्बानियों का समर अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। यही मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का ज़ामिन है। अक़वामे आलम में पाकिस्तानियत ही वो तसव्वुर है जो किसी भी तफरीक से बालातर हमें एक बावक़ार कौम का दर्जा देता है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का दिल का रिश्ता है। यही मजबूत रिश्ता दुश्मनों की शिकस्त का बायस है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में यौम दिफाओ शुहदा की तकरीब से खिताब। कहा, कौम में इंतशार और मायूसी फैलाने की कोशिशें नाकाम बनाएंगे। कौमी यकजहती के खिलाफ मजमूम मकासद कामयाब नहीं होंगे। मुल्क दुश्मनों को जहाँ पाएंगे सरकूबी करेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में कोई बेघर नहीं होगा। सियासी इख्तलाफात को नफरत में तब्दील न होने दें। आईने पाकिस्तान के मुताबिक अकलियतों के हकूक का तहफ्फुज़ करें। भारत के नाजायज कब्जे में मौजूद कश्मीर आलमी मसला है। गजा में इसराइली जारहत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। जहाँ जहाँ फितना अल खवारिज और इनके सहूलतकार मौजूद हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशन जारी रखेंगे। फितना उल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान के किसी के खिलाफ जारहाना अज़ायम नहीं, नाकाबले तस्खीर दिफा हमारी अवलीन तरजीह है। तकरीब से पहले वजीर आजम और आर्मी चीफ की यादगार शहादा पर हाजिरी। उल्हाय अकीदत पेश, डॉक्यूमेंट्री शहीद की डायरी से शुरका की आंखें नम। शफकत अमानत अली खान के मिली नगमे पर एक शहीद की वालदा बेहोश हो गई। पश्चिम में CTD का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, ठिकाने से असलहा गोला बारूद बरामद। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी। विफाक की हुकूमत समेत दीगर के इंटर कोर्ट अपीलें मंजूर। 5 सिफर से सुनाए गए फैसले में कहा गया कि कई नैब तरामीम के मेहमान बानी PTI खुद थे। दरख्वास्त नेक नियति से दायर नहीं की गई। जस्टिस अथरमिनुल्लाह ने इजाफी नोट में लिखा, जजेज और आर्म फोर्सेज के अरकान को नैब कानून से सस्ता नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिज़वी का भी फैसले से इत्तफाक, वजूहात से इख्तिलाफ। हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। बानी PTI का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्देमल। कहा, मुझे तो खुशी मनानी चाहिए, तोशाखाना का नया केस तो फारिग हो गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी तकरीबन खत्म होने वाला है, मगर मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। PTI ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रिलीफ मांग लिया। तोशाखाना और 190 मिलियन रेफरेंस नैब के दायरे अख्तियार से निकलकर गैर मुअस्सर हो चुके। मुकदमात की कार्रवाई फिलफौर खत्म की जाए, PTI की कोर कमेटी का मुतालबा। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन के बिल के मुखालफत, इंतखाबात तरमीमी बिल सदर के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत कोई जलसा होगा ना ही इज्तमा। खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद होगी। पुरमन इज्तमा और अमनामा एक्ट 2024 सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। इजाजत के तहत होने वाले जलसे को भी पुलिस अफसर किसी भी वक्त मुंतशिर करा सकेगा। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बिल की मुखालफत, नो नो के नारे। तहरीक इंसाफ का पुरमन एहतजाज बिल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। शिबली फराज ने कहा, इस कानून साजी में हिस्सादार बनने वालों के नाम तारीख में दर्ज हो गए। इस्लामाबाद में PTI जलसे का रूट प्लान जारी। जुड़वा शहरों को बंद करने का मंसूबा। DC इरफान नवाज मेमन कहते हैं, जलसे की इजाजत 38 शराइत पर दी गई, खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। दानियाल चौधरी कहते हैं, किसी जत्थे को पाकिस्तान का इमेज खराब करने नहीं देंगे, जलसा करना है तो संजानी में जाकर करें। ये नहीं हो सकता कि कोई जत्था आकर इस्लामाबाद को हॉस्टेज बना ले, ये पॉसिबल नहीं है। हमने किसी को प्रोसेशन से रोका नहीं है, संजानी में जाएं, अपने मुजाहरे करें, लेकिन इस्लामाबाद को चोक नहीं करें। कारसाज हादसा केस में जामा हक, बाप बेटी का खून मुआफ।
सुलहनामा जमा करवाने पर मुलजमा नताशा को जमानत मिल गई। मुनशियात इस्तेमाल करने के केस का फैसला पीढ़ तक महफूज। दानिश अकमाल की बोरी जमानत की भी तौसीक। मुलजमा की जमानत को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। हम पर कोई दबाव नहीं, खुदा की रजा के लिए मुआफ किया। जामा अफराद के वर्सा ने माहिदे की तस्दीक कर दी। हलफनामे में कहा हादसा जानबूझकर नहीं किया गया। तेफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल की तहकीकात। पुलिस ने रेकी करने वाले मुश्तबा मोटरसाइकिलों को ट्रेस कर लिया। दोनों ग्रुप्स के 10-10 अफराद को 3 MPO के तहत जेल भिजवाने का फैसला। कराची के इलाके जौहर मोड़ पर 1.5 करोड़ की डकैती नाकाम। मजाहमत पर शहरी और सिक्योरिटी गार्ड जमा। मुकाबले में एक डाकू हलाक, 2 डाकू पकड़े गए। यौम दिफाउ शुहदा के मौके पर मुल्क भर में तकारीब। मजार कायद और मजार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर कराची के मजार कायद पर हाजिरी। बाटापुर समेत मुख्तलिफ शहरों में शुहदा के मजारों पर तकारीब। गवर्नर हाउस सिंध में शुहदा को खराज अकीदत पेश। वजीर आला पंजाब, वजीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर क्वेटा की यादगार शुहदा पर हाजिरी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कर्नल शेर खान शहीद के मजार पर हाजिरी। 2 नए जंगी जहाज PNS बाबर और हुनैन पाक बहरिया में शामिल। तकरीब में सदर मुमलिकत नेवल चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुसल्ह फौज किसी भी जारहत से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। नेवल चीफ ने कहा पाक बहरिया रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पेरिस पैरालंपिक्स में पाकिस्तान का मेडल। डिस्कस थ्रो में हैदर अली ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। हैदर ने 52.5 मीटर थ्रो की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हैदर अली को मुबारकबाद।